कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जहाँ हायल अपनी वाइफ लोरा और बेटे गेब के साथ रहता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि गेब अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं करता और इसी वजह से दोनों में बहस होने लगती है। हायल अपनी वाइफ से डरता था और उसे 80s के गेम खेलना पसंद था, जिस वजह से उसकी फैमिली में हमेशा ही झगड़े होते थे। हायल को गेम्स खेलने का काफी ज्यादा क्रेज था। इसके बाद वो अपने रूम में आता है। उसके पास गॉडसर नाम का एक गेम था और वो गेम अपने आप उसके पीसी में चलने लगता है, जिससे उसे कुछ लेवल्स दिए जाते हैं जिन्हें उसको पार करना था। पहले लेवल में कहा जाता है कि वो अब केज यानी कि पिंजरे में है। वेल, उसकी जिंदगी के मायने में वो गेम सही कह रहा था, वो एक पिंजरे में ही था। गेम उससे कहता कि वो क्विट नहीं कर सकता। इसके बाद गेम उससे सवाल करता है कि क्या तुम इस गेम से जीतने वाले प्राइज के काबिल हो। हेल यहाँ गेम को कोई जवाब नहीं देता और अपनी ड्रिंक पीकर टेबल पर रख देता है। तभी हम गेम में देखते हैं कि वो गेम बता रहा है कि उसने ड्रिंक अभी टेबल पर रखी है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। इसके बाद गेम उससे पूछता है कि क्या उसे एक और ड्रिंक चाहिए। इस पर हेल हाँ टाइप कर देता है और तभी टेबल पर एक और ड्रिंक आ जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। अब गेम उससे लाइट ऑन या ऑफ करने का पूछता है। इस पर वो ऑफ टाइप कर देता है और तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। खैर, अब गेम उससे पूछता है कि उसे अब क्या चाहिए, अपने बेटे की जीभ या वाइफ के कान। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता, उसे ये अजीब लगता है। लेकिन गेम उससे कहता है कि चूज करो वरना मरो। हेल यहाँ कोई जवाब दिए बगैर जाने लगता है। तभी उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं जिसे सुनकर हेल को दर्द होने लगता है। इसके बाद हेल कमरे के बाहर देखता है कि उसकी वाइफ ने गेब की जीभ काट ली है। लेकिन लोरा कहती है कि वो नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। हेल ये देखकर काफी शॉक होता है और हम कमरे में पीसी को देखते हैं। उसमें लिखा है पहला लेवल कंप्लीट हुआ। इससे हम समझ पाते हैं कि यह गेम रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में करके अपने लेवल्स कंप्लीट करवाता है। खैर, सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम 3 महीने बाद देखते हैं जहाँ केला नाम की लड़की अपनी नाइट शिफ्ट का काम करके कंपनी से बाहर निकल रही है। असल में वो किस्मत नाम की कंपनी में एक क्लीनर यानी कि सफाई वाला काम करती है। यहाँ किसी बात को लेकर केला और पैसे देने वाली एम्प्लॉय के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से वो एम्प्लॉय उसे केवल आज रात काम पर आने से मना कर देती है। अब केला उसे बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड आइजैक के पास आती है जो कि एक गेम डेवलपर है। केला को भी गेम्स प्रोग्रामिंग का काफी शौक होता है लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो ये सब नहीं कर पाती, लेकिन वो चीजों को रिपेयर करने में काफी अच्छी है। खैर, आइजैक ने घर पर कुछ पुराने गेमिंग चीजों को मंगाया था, जिसके बाद केला वो सामान देखने लगती है। तभी उसे उस कवर में वही कर्सर गेम मिलता है जिसे हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। उसके कवर पर $1,25,000 का प्राइस देखकर केला काफी शौक होती है कि इतने पुराने गेम को जीतने पर कैसे कोई इतने सारे पैसे दे सकता है। इसके बाद केला उस गेम की सीडी देखने लगती है। इसमें एक आदमी बताता है कि सच में तुम इसे खेलकर पैसे जीत सकते हो। केला उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस गेम को जीतें और पैसों को डिवाइड कर लें। इस पर वो कहती है कि इस बारे में वो बाद में बात करेंगे। इसी बीच केला उस गेम को लेकर अपने साथ चली जाती है। अब वो यहाँ से सीधे अपने घर आती है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब है और उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से केला नाइट में काम करके घर को संभालती है। अगले सीन में वो अपनी ड्यूटी पर जाती है जहाँ वो एक दूसरी लड़की से बात करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि काफी टाइम से वो एक ही फ्लोर को साफ करते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी इस फ्लोर पर रहता ही नहीं। अब केला आज जल्दी काम करके एक कैफे में आ जाती है और वहीं पर अपने लैपटॉप से कर्सर गेम को स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ आइजैक को आने के लिए मैसेज भी करती है लेकिन वो अपने काम में बिजी था, जिस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाता। अब यहाँ कैफे की वेटर आती है और उसे कुछ ऑर्डर करने को कहती है, नहीं तो कैफे का बॉस उसे यहाँ से भगा सकता है। और कैफे का मालिक इस वक्त वहीं सो रहा था। अब केला उससे 1 मिनट का टाइम मांगती है। इधर वो गेम शुरू हो चुका था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम प्राइज मनी लेने के काबिल हो या नहीं। इसके बाद गेम उससे पूछता है कि तुम्हें कॉफी चाहिए या केक। तभी केला मेन्यू कार्ड में देखती है कि केवल उसमें कॉफी या केक का ही ऑर्डर लिखा है। इसके बाद वो गेम में कॉफी टाइप कर देती है और तभी वेटर कॉफी लेकर उसके पास आ जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। इसी बीच वो देखती है कि वो वेटर जैसा बोल रही है वैसा लैपटॉप में पहले ही टाइप हो रहा है। अब गेम उससे एक ब्रेक लेने के बारे में पूछता है, जिस पर वो लैपटॉप को बंद कर देती है। तभी उसके आसपास काफी कोहरा आ जाता है और एक रिकी नाम का लड़का उसके सामने आता है। वो उससे कहता है कि चूज करो वरना मरो। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और ब्रेक लेने के लिए यस टाइप कर देती है। तभी वो वेटर कैफे के गिलासों को तोड़ने लगती है। अब गेम उससे पूछता है कि वो गिलास को तोड़ती रहे या उन्हें साफ करे। इस पर केला साफ करने को कहती है। इसके बाद वो वेटर टूटे हुए गिलासों के टुकड़ों को खाने लगती है और ऐसा करते हुए उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। अब जल्दी से केला उसकी तरफ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैफे का मालिक उठ
जाता है और अपने मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगता है। इसके बाद वो उसे धक्का देकर वेटर को रोकने आ जाती है और तभी लैपटॉप में पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन सुबह में उसकी आंख खोलती है तो वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पर आकर उसकी मॉम से पूछताछ कर रहा है। असल में ऑफिसर केला के घर कैफे वाले इंसिडेंट की पूछताछ के लिए आया था। ऑफिसर के जाने के बाद केला अपनी मॉम के पास जाती है, जहां दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जो लड़का रिकी केला को पिछली रात अपने विजन में दिखा था या उस गेम की वजह से दिखा था, वो उसका छोटा भाई था, इसकी कुछ टाइम पहले ही पूल में डूबने की वजह से मौत हो गई। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि उसकी मॉम दवाई के तौर पर ड्रग्स को लेती है। अब केला उससे पूछती है कि उसे ये गेम कहाँ से मिला, लेकिन आइजेक को नहीं पता होता। वो कहता है कि मैंने ये गेम बस खरीद लिया। आगे वो उससे कहता है कि वो इसका पता लगाने की कोशिश जरूर करेगा। अब केला यहाँ से निकलकर अपनी नाइट ड्यूटी पर आ जाती है। वो अपना काम कर ही रही होती है कि अचानक रात 2 बजे उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसमें वो कहती है कि दीवारों से चूहे बाहर निकल रहे हैं और तभी वो चूहे उसकी मॉम पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसी फ्लोर पर एक पीसी है जिसमें खुद ही कर्सर गेम चल रहा है। केला जल्दी से उसके पास जाती है और वो देखती है कि गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो गया है। उस स्क्रीन पर गेम स्टार्ट हो जाता है। इस गेम में उसे एक कैरेक्टर को चूहों से बचाना था और वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी। साथ ही उसे अपनी मॉम की आवाज आने लगती है कि वो उन्हें बचा ले। इसके बाद वो गेम उसे 2 चॉइस देकर आगे बढ़ने को कहता है। अब केला को उस चूहे से अपनी मॉम को बचाना था। वो जल्दी से अपनी मॉम से कहती है कि वो जल्दी से जाकर विंडो के बाहर कूद जाए। अब उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी चूहे से बचने के लिए विंडो से कूदना पड़ता है और इसी के साथ दूसरा लेवल खत्म हो जाता है। अब गेम उससे कहता है कि वो कल रात को ठीक इसी वक्त मिलेंगे। केला ये देखकर गुस्सा होती है और उसे पीसी को उठाकर तोड़ने लगती है। तभी वहाँ कंपनी की एम्प्लॉय आती है और उसे जॉब से निकाल देती है। खैर, अब केला अपनी मॉम के पास आती है, जो कि विंडो से कूदने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ उसकी मॉम उससे रिकी के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, लेकिन वो अपनी मॉम को अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताती। इसके बाद वो अपने घर आकर देखती है कि हकीकत में चूहों ने उसका घर बर्बाद कर दिया है। इसी बीच यहाँ लांस आता है और घर की हालत देखकर उससे कहता है कि जरूर घर का मालिक तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। आगे वो यहाँ फिर से उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकालने की कोशिश करता है, जिससे हम समझ जाती कि लांस की कायला पर गंदी नजर थी, लेकिन कायला उसे यहाँ से भगा देती है। खैर, अब वो रात में आइजैक के पास आती है और गेम को असली मानने को कहती है। फिर वो उसे अपने टूटे हुए घर की कुछ फोटोज भी दिखाती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है। अब आइजैक इस गेम में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे बताती है कि वो गेम खुद ही रात के 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और इसके अलावा कभी भी इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। अब दोनों इस गेम के कोड्स में चेंजेस करके इसके साउंड को बंद करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद अब 2 बज जाते हैं और वो गेम स्टार्ट हो जाता है। वो गेम के साउंड को तो बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि गेम को पता चल गया है कि आइजैक भी कायला के साथ खेल रहा है। अब जैसा आइजैक बोलता है, गेम वैसा पहले ही टाइप कर देता है। इसी बीच गेम कायला से क्वेश्चन करता है कि उसे आइजैक की हेल्प चाहिए या नहीं। पहले तो वो हेल्प लेने से मना करती है, लेकिन तभी कायला को काफी तेज आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद उसकी हेल्प के लिए वो हाँ कर देती है। आइजैक ये देखकर घबराने लगता है। इसी बीच उन्हें गेम आगे का लेवल देता है, जिसमें उनके सामने 2 दरवाजे आ जाते हैं, ब्लू और रेड, और उन्हें उनमें से एक को चुनना होगा। अब दोनों दरवाजे के पास जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती। खैर, कायला रेड वाले दरवाजे को चुनती है और दोनों अंदर जाते हैं। तभी कायला को उसका भाई दिकी दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके पीछे जाने लगती है। अब आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो दोनों भागते हुए एक पुल के पास आ जाते हैं, जहां कोहरे में दिकी निकलकर आइजैक पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। कायला जब उसके पास आती है तो गेम उससे एक क्वेश्चन करता है कि उसे रिकी जिंदा चाहिए या आइजैक। अब वो समझ चुकी थी कि गेम उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी रिकी को छोड़कर आइजैक को चूज करती है। तभी रिकी उठकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद कायला अपने ही भाई रिकी का गला घोटकर मार देती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब वो गेम के अंदर ही कर रही है। कायला जानती थी कि ये रिकी असली नहीं है, इसीलिए वो उसे मार डालती है। इसके बाद आइजैक को होश आ जाता है और इसी के साथ 3रा लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। अब सुबह में दोनों बात करते हैं, जहां कायला रिकी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी, क्योंकि उसे हमेशा स्विमिंग के लिए वो ही लेकर जाती थी, लेकिन एक दिन उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया, जिस वजह से रिकी डूब कर मारा गया। ये सुनकर आइजैक उससे कहता है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा। खैर, इसी बीच आइजैक एक मैगजीन पढ़ने लगता है, जहां उसे 80s के एक गेम के बारे में पता चलता है, जिसमें बच्चे फोन को हैक करके फ्री में गेम्स खेलते थे ताकि उन्हें फोन बिल ना देना पड़े, और इसी हैक की वजह से वो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। यहां आइजैक उसी तरह से कर्सर गेम के कोड्स को हैक करके एक एड्रेस तक पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों जल्दी से उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उस एरिया का दरवाजा बंद होता है। फिर दोनों दरवाजे के ऊपर से चढ़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें बड़ा सा
बड़ा हॉल दिखाई देता है। कायला यहाँ उसी एड्रेस वाले नंबर पर कॉल करने लगती है। वो फोन उसी जगह पर रिंग होने लगता है। दोनों उसका पीछा करते हुए एक दूसरे हॉल में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चलता हुआ टेप रिकॉर्डर मिलता है। अब आइजैक वहाँ पड़े केबल्स का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाता है, जहाँ उन्हें पुराने सामान में से कॉर्सर बीटा 1 नाम की डिस्क मिलती है, जिसके बाद आइजैक यहाँ के पुराने कंप्यूटर में उसे प्ले कर देता है। तब पता चलता है कि इस गेम में जो सिंबल्स डाले गए हैं वो सब रियलिटी पर असर डालते हैं। उन्हें उस वीडियो में एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम था बैक, और इसी ने इस गेम को डिजाइन किया था। साथ ही वो इस गेम का होस्ट भी है। सबसे पहले उसने गेम टेस्टर को इस गेम में फंसा कर उससे उसका हाथ खाने या कंप्यूटर को खाने का चैलेंज दिया, जिस पर उसके फ्रेंड ने मजाकों में हाथ टाइप कर दिया, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी अपना हाथ खाने लगा। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि बैक ने भी अपना हाथ काट लिया था। अगर वो गेम टेस्टर अपना हाथ खा लेगा तो बैक का हाथ खुद ही ठीक हो जाएगा, और ऐसा होता भी है, उसका हाथ खुद ही रिकवर होने लगता है। इससे हम समझ पाते हैं कि बैक उन सिंबल्स को अपने तरीके से यूज करके लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगा। दोनों ये वीडियो देखकर काफी घबरा जाते हैं। आइजैक कायला से कहता है कि क्यों ना हम इस डिस्क को ही अपने साथ ले जाएं, लेकिन उसकी ये बातें वो गेम सुन लेता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। वो कायला से कहता है कि तुम्हें चीटिंग करने के बदले में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो गेम आइजैक को एक इनविजिबल चैम्बर में फंसा देता है और कायला से कहता है कि उसे रिप्ले चुनना है या फास्ट फॉरवर्ड। इस पर कायला आइजैक की कंडीशन देखकर फास्ट फॉरवर्ड चुनती है। उसके फास्ट फॉरवर्ड चुनने की वजह से आइजैक के मुंह में से टेप रिकॉर्डर वाली रील निकलने लगती है। कायला उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। अब कुछ टाइम के बाद आइजैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। आइजैक के मरने के बाद ही चौथा लेवल कम्प्लीट हो जाता है, और अब आखिरी लेवल बचा था जिसमें अब कायला का सामना बॉस से होगा। वो अपने दोस्त की मौत से काफी दुखी थी। अब कायला यहाँ से निकलकर एक जंगल के रास्ते जाने लगती है। इसी बीच उसकी मॉम का उसे फोन आता है, लेकिन उधर से उसकी मॉम के फोन पर लेंस बात करता है। कायला अपनी मॉम से बात कराने को कहती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। इसके बाद कायला गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल में देखने लगती है। इसी बीच कुछ आगे जाने पर उसे एक आलीशान घर मिलता है। वो उसके अंदर जाने लगती है और हमें पता चलता है कि ये घर हेल का ही है, जिसे हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। हेल कायला को देखकर पूछता है कि वो कौन है। इस पर वो कहती है कि वो एक प्लेयर है और गेम ने मुझे यहाँ भेजा है। इसी बीच हम देखते हैं कि हेल अब अपनी वाइफ से नहीं डरता। उसकी वाइफ उसके सामने चुपचाप बैठी थी। हेल आगे बताता है कि गेम ने मुझसे कहा कि मुझे वो छोड़ देगा अगर वो गेम की कॉपीज बनाए। इससे हम समझ पाते हैं कि कैसे ये गेम आइजैक के पास पहुंचा, और ना जाने किन किन के पास ये गेम होगा। इसी बीच कायला के फोन में गेम का फाइनल लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर गेव यहाँ से भाग जाता है। अब गेम उन्हें चैलेंज देता है, जिसमें उन दोनों में से कौन अब इस गेम का बॉस होगा। अब गेम कायला से कहता है कि उसे अब बॉस को हराना होगा, और ये सुनकर हेल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो खुद बॉस है, यानी कि विलेन है, और कायला एक हीरो। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी कायला टेबल पर पड़े चाकू को उठा लेती है, लेकिन हेल प्लेट उठाकर उसके सर में मार देता है। उसके प्लेट मारने की वजह से कायला को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उल्टा उसके ही चोट लग जाती है। यानी हेल जब कायला को मारेगा तो चोट उसके ही लगेगी, और जब कायला खुद को मारेगी तो हेल को नुकसान पहुंचेगा। वो इस बात को समझ जाती है और चाकू से अपने हाथ को काटने लगती है। उसके हाथ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हेल का हाथ कट जाता है। तभी यहाँ गेब गन लेकर आता है और कायला को शूट कर देता है। इसके बाद गोली लगने का असर उसके डैड को होता है। अब लोरा गेब से गन छीनकर कायला को मारने आ जाती है, ताकि उसका हस्बैंड मर जाए, और वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि अब तक हेल ने उसे काफी टॉर्चर किया था। अब लोरा कायला को शूट करने लगती है, लेकिन हेल वहाँ आ जाता है और उससे गन छीन लेता है और खुद को शूट करने लगता है, लेकिन गन की बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, इस वजह से वो गोली नहीं लगती। तभी गेव चाकू लेकर आता है, लेकिन हेल उसे वो छीन लेता है और अपना ही गला काट लेता है। इसी बीच कायला एक पत्थर को लेकर पूल में कूद जाती है, और हम देखते हैं कि कायला की बॉडी में पानी भरने की वजह से हेल के अंदर से पानी निकलने लगता है। इसके बाद दोनों की ही यहाँ मौत हो जाती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि कायला बच जाती है, और अब ये गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद लोरा उसे थैंक्स कहती है। फिर हम देखते हैं कि कायला को गेम का प्राइज मिलता है, इसमें वो कर्सर को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद वो अपने पड़ोसी लैंस के फोन को हैक करके उसे कर्सर गेम का प्लेयर बना लेती है, और बाद में एक चैलेंज देकर उसे बेरहमी से मार डालती है। लैंस की मौत से कायला के घाव भी ठीक होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत भी पहले से ठीक है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कायला को उसी बैक नाम के आदमी की कॉल आती है, जो कि इस वक्त किस्मत कंपनी में खड़ा था, यानी वो ही इस कंपनी का मालिक था। वो यहाँ कायला से पूछता है कि वो अब किसे इस गेम के जरिए तकलीफ देना चाहती है। इस पर वो कहती है कि वो केवल उन्हें ही तकलीफ देगी जो तकलीफ के काबिल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।